देखिए, आपने अपने YouTube स्टूडियो में यहाँ पर रीच का ऑप्शन देखा होगा, तो रीच होता क्या है इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले रीच में आता है इम्प्रेशन। तो इम्प्रेशन का मतलब होता है कि कितने लोगों को वीडियो दिखाया गया, यानी कि यहाँ पर चार लोगों को आपका जो थंबनेल होता है वहाँ पर दिखाया गया, उसमें से फिर उसके बाद आता है क्लिक थ्रू रेट। तो थंबनेल तो दिखाया गया लेकिन क्लिक किया सिर्फ उसमें से 12.5% से, इसे हम CTR क्लिक थ्रू रेट कहते हैं, इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट। तो समझ लीजिए 400,000 को दिखाया गया तो उसमें से 12% लोगों ने क्लिक किया। फिर इसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक सोर्स आता है। तो ट्रैफिक सोर्स का मतलब होता है कि कहाँ से आपका ट्रैफिक आया। देखिए, ज़्यादातर मेरा ट्रैफिक आया है यूट्यूब सर्च से। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब सर्च से मेरा 78% ट्रैफिक आया है, और उसके बाद सजेस्टेड वीडियोस से आया है और अदर फीचर्स आया है। फिर टॉप एक्सटर्नल सोर्स है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप में बहुत शेयर हुए मेरे वीडियोस और एक्स्ट्रा। फिर यहाँ पर टॉप यूट्यूब सर्च टर्म्स है, तो यहाँ पर ये सब सर्च करके मेरी वीडियोस देखी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद टॉप वीडियो सजेस्टिंग योर कंटेंट, तो यहाँ पर यूट्यूब में और भी लोगों की वीडियो है, तो जब उनकी वीडियो ओपन होती है, चालू होती है, तो नीचे सजेशन में हमारी भी वीडियो शो होती है। तो ये सब वीडियोस हैं जिनके नीचे हमारी वीडियो शो होती है। और उसके बाद प्लेलिस्ट, कौन सी प्लेलिस्ट आपकी कंटेंट को प्ले करती है, तो यहाँ पर मेरा नहीं है, आपका कुछ ना कुछ आ सकता है। तो आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।